हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शीतू और स्वागत है आपका सीतू फैशन एंड ब्यूटी पे। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो है क्यू ए वीडियो। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, तो सभी के ऐसे आंसर देना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं सभी के कॉमन क्वेश्चन के आंसर देने वाली हूँ। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ बहुत सारे लोगों ने पूछे हैं, तो उनके मैं आंसर दूंगी। एंड कुछ कॉमेंट्स भी ऐसे हैं जो कि थोड़ा से अलग हैं और जिसका साइड चैनल से या मेरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके भी मैं आंसर दूंगी। आई होप आप समझ ही गए होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड नीचे दिए बेल के आइकन को ऑन करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। एंड कुछ लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है लेकिन शायद उनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो वो एक बार जाके चेक कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सो गए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे किया है कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपका घर कहाँ पे है, आप परमानेंट कहाँ पे रहते हैं। तो गाइस, सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, आई लिव इन जबलपुर। मैं जबलपुर में रहती हूँ, एमपी जबलपुर ही मेरा घर है, यहीं पे मेरा सब कुछ है और मैं यहीं पे रहती हूँ। मतलब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज। तो मेरी अरेंज मैरिज है गाइस। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, आपने क्या किया है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। सो गाइस, मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, मैंने एमएससी सीएस किया है और इसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की, मतलब मैंने एमएससी ही किया है बस। एंड अगेन, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोगों ने किया है। मैंने एक वीडियो किया था पतली लड़कियों के लिए कुछ आउटफिट्स, तो उस वाले वीडियो पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि दी हमारी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है, हम बहुत ज़्यादा पतले हैं तो हम कैसे मैनेज करें, या हमारी हाइट छोटी है और हम पतले हैं तो हम कैसे कपड़े पहने। आप लोगों के लिए एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगी जो कि लंबी लड़कियों के लिए होगा, कि लंबे हैं तो हम किस तरीके के आउटफिट्स पहने जो हम पे अच्छे लगें, इनफैक्ट हम बहुत ज़्यादा लंबे दिखते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो एक वीडियो मैं ज़रूर शूट करूँगी जिस पर आपको मैं बताऊँगी कि आपको किस तरीके के आउटफिट्स पहनने चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है। तो गाइस, ज़रूर मैं आपकी हेल्प करूँगी और आपके लिए एक नया वीडियो बना दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, हमें कब मिला रहे हैं आप। मैं बहुत जल्दी अपनी फैमिली से आपको मिला दूँगी, मेरी फैमिली में कौन कौन है कौन कौन नहीं है सबसे मैं आपको जल्दी से जल्दी मिला दूँगी। कुछ कमेंट्स जो मुझे किए गए हैं, आपके आपका जो वीडियो है हमें बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच, यू लुकिंग सुपर्ब, थैंक यू सो मच, गुड लुकिंग हैं, ब्यूटीफुल हैं, इसलिए आपने इस तरीके का चैनल स्टार्ट किया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइस, हमारा एक पैशन होता है, हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम वही चीज़ करते हैं। मुझे फैशन एंड ब्यूटी में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं इसलिए ये चैनल स्टार्ट किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ब्यूटीफुल होने की बात अगर मैं करूँ तो हर कोई ब्यूटीफुल होता है, हर लड़की बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, बस अपने आप को थोड़ा सा संवारने की ज़रूरत होती है। खूबसूरत हर कोई है, आप अपने आप को बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप भी बहुत ब्यूटीफुल हैं। नेक्स्ट जो कमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है मुझे वो है, रसोई में कौन था, अपने चने चढ़ा दिए या नहीं। तो गाइस, आप समझ ही गए होंगे कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उसकी वजह से शायद इस तरीके के लोग कमेंट कर रहे हैं। बट मुझे नहीं समझ में आता है कि मेरे चैनल से और मुझसे इसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी लोग इस तरीके कमेंट कर रहे हैं। सो गाइस, मैं अगर कोई किचन वाला चैनल कर रही होती या कोई कुकिंग चैनल मेरा होता तो भी समझ में आता, बट कुछ नहीं तो कुछ भी लोग कमेंट करते रहते हैं। ओके, सो गाइस, आप लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया तो मैं बता देती हूँ कि रुचा जो कि राशि उस सीरियल में थी, उसने भी एक वीडियो अपना शूट किया है जिसमें उसने बताया कि रसोई में मैं थी, यानी कि रसोई में राशि थी। सो लेट्स फन गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। एंड अगर आपको मुझसे फैशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करने हो या मुझसे रिलेटेड कोई आपके क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन के सारे आंसर दूंगी। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पर, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सीतू पीटीएल। तो तब तक लिए फ्रेंड्स।